अपनी आंखों को बंद करें प्रभु की ओर निहारें। And just repeat after me. और मेरे साथ इस बात को दोहराएं। So I'm just going to pray for those who have not received the Lord. मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ जिन्होंने प्रभु को स्वीकार नहीं किया है। And they want to receive the Lord first time. और वो पहली बार प्रभु को स्वीकार करना चाहते हैं। And then I'm going to pray for those people. और इसलिए मैं अब उनके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। Who want to freshly commit to an intimate relationship with the Lord. और जो आज एक रिश्ता प्रभु के साथ बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। As a husband to the wife. एक पति जिस रीति से अपने पत्नी से प्रेम करता है वैसे प्रेम को प्रभु के प्रेम को आप जानने के लिए। Or wife to the husband. जिस रीति से एक पत्नी अपने पति को प्रेम करती है। So everybody be quiet. हर एक व्यक्ति शांत रहे। Now say Lord Jesus. मेरे साथ कहें वो लोग कह सकते हैं प्रभु यीशु। My Savior. मेरे उद्धारकर्ता। My Lord. मेरे प्रभु। Come into my heart. मेरे हृदय में आ। And touch my life. और मेरे जीवन को छू। Lord, come into my life. मेरे हृदय में आ। And come into every part of my life. और मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में आ। Lord, today I commit my life to you. और आज मैं अपने जीवन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ, सौंपता हूँ। Lord, forgive me of my sins. प्रभु मेरे पापों से मुझे क्षमा करें। Wash my sins with your blood. मेरे जीवन के हर एक पाप को आप अपने लहू से धोकर शुद्ध करें। And clean me. और मुझे धोकर शुद्ध करें। And set me free. और मुझे आजाद करें। And make me yours. और मुझे अपना बनाएं। And release your spirit. और अपनी आत्मा को यहाँ पर उड़े दें। Release the Holy Spirit upon me. और पवित्र आत्मा को मुझ में आने दें। And bless me, Lord. और मुझे आशीषित करें। Set me free from every bondage. और मुझे हर एक बंधन से आजाद करें। So I can worship you. तो ताकि मैं तेरी आराधना कर सकूं। Now I'm going to pray for those who want to have an intimate relationship with the Lord. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ जो आज अपने जीवन को प्रभु के साथ एक गहरे रिश्ते को बनाना चाहते हैं। Now repeat after me. मेरे साथ ही प्रार्थना दो बार। My husband. मेरे प्रिय पति परमेश्वर। The lover of my soul. मेरे प्राण को प्रेम करने वाले परमेश्वर। I give you all my heart. और मैं अपने हृदय को तुझे देता हूँ या देती हूँ। You are my one and only affection. और सिर्फ तू ही मेरा प्रिय परमेश्वर। You are my only desire. तू ही मेरी इच्छा है। Lord, I commit to you. प्रभु मैं तुझे सब कुछ समर्पित करता हूँ करती हूँ। As a wife commits to her husband. जिस रीति से प्रभु एक पत्नी अपने पति को प्रेम करती है वैसे ही प्रभु मैं तुझे प्रेम करने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। Lord, if I don't know you. प्रभु यदि मैं तुझे नहीं जानता। If I don't understand your love. प्रभु यदि मैं आपके प्रेम को ना समझूं। Lord, please reveal yourself to me. और प्रभु तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। Please teach me about your love. और प्रभु अपने प्रेम के बारे में मुझे सिखा। Please draw me into your heart. प्रभु मुझे तेरे हृदय में आने दे। And use me to bring you glory. और मुझे इस्तेमाल करके मैं तुझे महिमा दे सकूं। Thank you, Jesus. धन्यवाद।
Glory to God. प्रभु यीशु तुझे महिमा दे। So I'm gonna. How many of you feel something? Do you feel anything? The love of God or presence of God? क्या हम में से हैं कोई प्रभु के प्रेम को प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं? हाथ उठा के हम बता सकते हैं प्रभु की उपस्थिति हम महसूस कर रहे हैं? अपने हाथों को उठा करके हम बता सकते हैं। Oh, praise the Lord, praise the Lord. Jesus will give you praise. प्रभु हम सारी महिमा तुझे देते हैं। Now I'm going to share my short version of my testimony with you. और एक छोटे से टुकड़े में छोटे से समय में मैं अपनी एक गवाही आपको बताना चाहती हूं. And then I want to see what the Lord wants to do. I believe he wants to minister to some more of you. और मैं विश्वास करती हूं कि प्रभु आत्मा में से कुछ लोगों को भी और छू रहा है, छूना चाहता है. So now you can look at me. और अब आप मेरी तरफ देख सकते हैं. Don't put your hands down. So I grew up as a Hindu Brahmin. मैं एक हिंदू परिवार में जन्म ली, ब्राह्मण परिवार में. Oh, gotcha. But when I was 8 years old, जब मैं 8 वर्ष की थी, a Dalit girl Ruth. और एक स्त्री थी, लड़की थी जिसका नाम रूथ था. Led me to Jesus when I was 8 years old. और जब मैं 8 वर्ष की थी, उस एक साधारण परिवार की एक गरीब लड़की ने मुझे प्रभु के बारे में बताया. So, I am the first Christian in probably thousands of generations before me. और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि मेरे आने के हजारों वर्ष और हजार पीढ़ियां, कई हजार लोग यदि आए भी होंगे मेरे परिवार में, तो मैं ही एक हूं जिसने प्रभु को स्वीकार किया. Even though I received the Lord when I was 8 years old. और जब मैं 8 साल की थी तब मैंने प्रभु को जबकि स्वीकार किया. But I still grew up as a Hindu Brahmin. और तब भी मैं एक उसी हिंदू ब्राह्मण परिवार में बढ़ रही थी, पल रही थी. So I just didn't do anything about it. I thought nothing happened. और मैंने उस बारे में नहीं सोचा. मुझे लगा कि कुछ भी नहीं हुआ है. So when I was a teenager, I became a Muslim for 3 years. और जब मैं थोड़ा सा बड़ी हुई, तब मैं एक मुस्लिम की तरह हो गई. 3 years for 3 years. और 3 सालों के लिए. And then after that I also got into Buddhism. और उसके बाद कुछ समय के लिए मैं बुद्धिस्ट धर्म की ओर भी मेरा रुझान बढ़ा, तो मैं उनके बारे में भी सीखने के लिए बढ़ गई. And then in America we have a religion called Scientology and I was into that too. और हमारे अमेरिका में साइंटोलॉजी एक करके एक अध्ययन है जिसमें मैं गई, वहां पर मैं अपने आप को इन्वॉल्व किया. And then also in America we have something called New Age and I was in that as well. और अमेरिका में नए युग का एक ऐसा एक रिलीजन धर्म है जिसमें मैं वहां पर भी रही. And then I got into Judaism. और उसके बाद मैं यहूदी धर्म में भी थी. So I have been into a lot of religions. और मैं बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया, बहुत सारे धर्मों में मैं अध्ययन करके आई हूँ. So I have worshipped more gods than most people. और मैंने बहुत सारे लोगों से अधिक बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की है. But still, the love of Jesus Christ. तब भी प्रभु का प्रेम उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं. He never stopped chasing after me. और वो प्रभु का प्रेम मेरे पीछे हमेशा रहता है. So in 2010 I got into a car wreck. और 2010 में मैं वापस लौटी. My neck got turned over and hit the headrest. और मेरा जो गर्दन है पूरा एकदम मुड़ गया और मैं एक जगह से टकरा गई. And my T5 burst open. It was leaking on the inside. और मेरे इस रीढ़ की हड्डी में वो एक जख्म सा हो गया, खुला सा हो गया, जो काफी उसमें बहाव रहता था. And my hip came out of alignment. और जो मेरा जो ये कूल्हा है, मेरे कमर का ये हिस्सा है, ये बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया, ये बिल्कुल ठीक नहीं था. And my spine became crooked. और जो मेरी रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी हो गई.
my arm, left arm got stuck here and it would not go up. और जो मेरा ये दाई बायां भुजा है ये हमेशा यूं ही फंस गया, ये कभी बढ़ नहीं सकता था, आगे उठा नहीं सकता. And my shoulder was almost to my ear. और जो मेरा ये कंधा है वो बिल्कुल मेरा कान के पास पहुंच गया था, इतना ज्यादा मैं तकलीफ में थी. And I became a cripple. और मैं पूरी तरह से अपाहिज हो चुकी थी. But my friend Malcolm and his wife Maria. और लेकिन एक मेरे मित्र हैं मैलकम और उनकी वाइफ उनकी पत्नी मारिया हैं. They spoke to their church, Emmanuel Bible Church. और उन्होंने अपने कलीसिया Emmanuel Bible Church नाम की कलीसिया है उसमें उन्होंने वो बातों को बताया. So Emmanuel Bible Church in Springfield, Virginia, they helped me for months. और उन्होंने कई महीनों तक मेरी देखरेख की. They served me. और उन्होंने मेरी देखरेख की. They never led me to the Lord. और उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में नहीं बताया था. Never asked me to repent for my sins to give you. कभी भी मेरे पापों से पश्चाताप करने के लिए मुझे नहीं बताया था. Never asked for anything. और मेरे मुझसे कभी भी कुछ इस प्रकार की बातें नहीं की थी. I owned a 3-level townhouse. और 3 खंड का मेरा मकान है. And they helped me with the house, with the garden, with everything. और उस बगीचे में, उस घर में चढ़ना उतरना सब बातों के लिए वो मेरी मदद करते थे. For months. और कई महीनों तक. Then I became suicidal. और तब मैं अपने जीवन से तंग आ गई, मैं अपना जीवन नाश करना चाहती थी. Because I was in a lot of pain. मैं बहुत सारे कष्ट में थी, दर्द में थी, मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहती थी. And I was not used to living my life depending on people. और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी पर बोझ बन के जीऊं. So I wanted to commit suicide. और इसलिए मैं अपने जीवन को खत्म करना चाहती थी. Then Pastor Tom Joyce's wife Deshra. और पास्टर टॉम जॉयस की पत्नी हैं जेस्रा जिनका नाम है. She found out. So she sent me to their care and counseling pastor, Pastor Jack. और तब उन्होंने मुझे उनके एक पासवान के पास भेजा ताकि वो मुझे परामर्श दे सकें. So I went to his office. और तब मैं उनके ऑफिस में गई. And he said a lot of things to me. और तब उन्होंने बहुत सारी बातें मुझसे की. But then he pointed his finger to a picture on his wall. और उन्होंने दीवार में एक पिक्चर की ओर इशारा करके मुझसे कहा. And in that picture there was a man wearing a white robe. और उस पिक्चर में एक फोटो में एक व्यक्ति सफेद चोगा पहने खड़े थे. And he was knocking on a door. और वो दीवार में खटखटा रहे हैं, दरवाजे पर खटखटा रहे हैं, एक ऐसी पिक्चर को देखा. And he said to me, he said, Jesus is knocking, let him in. प्रभु उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है, उसे अंदर आने दो. But I was so pagan. और मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो गई बातों को सुन के. That I had no idea where the door is. और मैं नहीं जानती थी कि भाई दरवाजा कहाँ है. And who's this man? और ये व्यक्ति कौन है. And how do you let him in? और मैं उसे कैसे भीतर आने दूँ. But I was suicidal and confused. और मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहती थी, मेरा मन पूरा विचलित था. So he prayed a general prayer and sent me home. और उन्होंने एक प्रार्थना की और मुझे घर भेज दिया. But that night. और लेकिन उस रात. Something happened. उस रात कुछ हुआ. My friend Malcolm and his wife Maria had got me a Bible almost a year earlier. और एक साल उस घटना से पहले ही मेरे मित्र मालकम ने मेरे लिए बाइबल खरीद के दी थी. But I never opened it. लेकिन मैंने उसे कभी नहीं खोला. When you don't know what's in this Bible, you will never open it. जब हम नहीं जानेंगे कि इस बाइबल में क्या है, हम कभी इसे नहीं खोलेंगे. But that night. लेकिन उस रात. I opened it to Matthew. और तब मैंने मत्ती रचित सुसमाचार खोला. And I have no idea why. और मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैंने मत्ती रचित सुसमाचार खोला. And I started reading. और मैंने पढ़ना शुरू किया. The stories. और मैंने उस बाइबल में मत्ती समाचार से कहानियां पढ़ना शुरू किया. Now I had read Ramayana, Bhagavad Gita, Quran, and all kinds of religious books. और मैंने बहुत सारे शास्त्रों को, रामायण, गीता और ऐसे बहुत सारे शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया है. But when I read this book. लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा है. It became alive. और ये मेरे लिए जीवित बन गई. And I saw the stories like movies. और मैंने उन कहानियों को एक मूवी के समान देखा. And I said to myself out loud. और मैंने अपने आप से तेजी से कहा. Oh my gosh, this is Jesus. He can heal me. और ये मेरा परमेश्वर है जो मुझे चंगा कर सकता है. Amen. Amen.
but nothing happened for about a month. और कई महीनों तक कुछ नहीं हुआ. Then on May 6th, 2011. और मई 6, 2011 की बात है. My neck surgery went wrong. और मेरे जो ये जो रीढ़ की हड्डी की जो सर्जरी थी वो गलत हो गई. About 2.5 inch needle went crooked in my neck. और 2 से 2.5 inch एक झुकाव उस रीढ़ की हड्डी में हो गया जो गलत तरीके से हो गया. So the surgeon said that this has never happened. और सर्जन ने कहा जो डॉक्टर लोग थे उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ है. So when the anesthesia wears off, go to the emergency room. और जब कभी भी ऐसा होता है तुरंत ही हमें emergency room में ले जाया जाता है. But I was so done. लेकिन मेरा साथ जो होना था वो हो गया था. So I popped my pills. I had these many bottles of pills. और मेरे पास इतना ढेर सारा गठरी भर के दवाइयाँ थी. Nurontin, Tramadol, you just name it. So what I did, I instead of going to the emergency room, I took a whole lot of pills and I ate them. और तब जबकि मैं मरना चाहती थी, emergency room में जाने से पहले मैंने ढेर सारी दवाओं को खा लिया. And I was like, bye bye. और मैंने पूरा सोच लिया था, आज तो खत्म है. So the first miracle. और पहला जो चमत्कार मेरे संग हुआ. That I woke up the next day. और मैं दूसरे दिन जीवित खड़ी हो गई. That's impossible. यह एक असंभव सी बात है. I woke up around 3 o'clock. और मैं 3 बजे सुबह उठ गई. It was a Saturday. वो शनिवार की रात थी. May 7th. 7 मई. 2011. 2011. When I woke up. जब मैं उठ खड़ी हुई. My first thought was. मेरा जो पहला जो विचार था. This is impossible. यह एक असंभव बात है. I should have died. मुझे मर जाना चाहिए था. And I had perfect clarity. और मुझे पूरी रीति से याद है. And I had horrible pain. और मुझे याद है कि वो दर्द कितना भयानक था. And the thought came to me that it has to be Jesus who did not let me die. और तब मेरे मन में ये विचार आया कि ये वो यीशु मसीह है जिसने मुझे मरने नहीं दिया. So with that thought, I got so angry at Jesus. और उस विचार के कारण मैं यीशु मसीह पर बहुत गुस्सा की. I was fuming. और मैं चिल्लाकर उस पर चिघाड़ रही थी. So I hobbled down like a crippled person to my kitchen. और मैं एक अपाहिज के रूप में अपने किचन की ओर दौड़ी चली गई. And my Bible was sitting on the kitchen counter. और मेरी जो बाइबल है किचन के काउंटर पे रखी हुई थी. And I had a big white open kitchen. और मेरे घर में बहुत बड़ा एक सफेद रंग का एक किचन था. And as soon as I was about to put my hand on the Bible and curse Jesus. और जैसे ही मैं अपना हाथ उठा करके बाइबल में रख करके बाइबल को शाप देने वाली थी, यीशु को शाप देने वाली थी. I was about to curse Jesus. मैं यीशु मसीह को शाप देने वाली अवस्था में थी. Because I was a model. क्योंकि मैं एक बहुत एक प्रचलित एक मॉडल थी. And fashion designer. I won awards for my designs. और मैं अपने एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर थी. So my language was not very clean. और मैं इसलिए मेरी जो भाषा है बहुत अच्छी नहीं थी. So I was going to curse Jesus in my language that I knew. और जो भाषा मैं जानती थी उस भाषा में मैं प्रभु यीशु को शाप देने वाली थी. And before a single word came out of my mouth. और इससे पहले कि मेरे मुंह से कोई शब्द निकलता. The Lord Jesus showed up. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह वहां मेरे सम्मुख उपस्थित हो गया. And I saw him. और मैंने उसे देखा. And I was so angry at him. और मैं उस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो रही थी. So I didn't fall at his feet. और मैं उसके पैरों में नहीं गिरी. Instead, I pointed to him. और मैंने उसकी ओर उंगली की. And I screamed at him. और मैंने उसके ऊपर चिल्लाया. I said, I know who you are. और मैं जानती हूँ कि तू कौन है. I have read about you. मैंने तेरे बारे में पढ़ा है. मैंने उससे ऐसा कहा. You make the lame walk. और तू वही है जो लंगड़ों को चलाता है. You make the dumb talk. और तू वही है जो बहरों को कान देता है. You make the blind see. तू वही है जो अंधों को आंखें देता है. You even raise dead people. और तू वही है जो यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिंदा करता है. Either you heal me or you kill me.
चाहे तो मुझे जिंदा रखे या मुझे चंगा करे या मुझे मार दे। Either what I've read about you is true. और मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी मैंने तेरे बारे में पढ़ा है वो सत्य है। Or it's all rubbish. और चाहे यदि ये वो सत्य है या वो पूरा कूड़ा करकट है। And thank God that Jesus is not religious. और प्रभु कोई किसी धर्म का प्रभु नहीं है। Otherwise he would have turned around and walked away. अगर वो किसी धर्म का परमेश्वर होता तो वो मेरी ओर पीठ करके वापस लौट जाता। But he's love. लेकिन उसका प्रेम। And I showed you that love in the book of Hosea. और लेकिन मैंने आपको उसके प्रेम को होशे नबी की किताब में बताया। He stood quietly. लेकिन वो वहाँ पर शांति से खड़ा था। While I screamed at him. जब मैंने उस पर चिल्लाया। And I just wept. मैं उस वक्त बहुत रोई। But when I opened my eyes. लेकिन जब मैंने अपनी आँखें खोली। The Lord Jesus had gone. और प्रभु यीशु मसीह जा चुका था। And all my pain. Here is the Lord. और मेरा सारा दर्द भी जा चुका था। सारा दर्द भी। My shoulder automatically dropped down and became normal. मेरा शोल्डर मेरा जो कंधा था ऊपर चढ़ गया था वो ऑटोमेटिकली अपना नीचे आ चुका था। My hip came into alignment. और मेरा जो ये कूल्हा था वो भी अपनी सही अवस्था में आ चुका था। My crooked spine became straight. और जो मेरी जो ये रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी वो सीधी हो चुकी थी। And my arm that was stuck here went all the way up. और जो मेरा ये हाथ ये बायां हाथ यहाँ पर फंसा था वो मैं उसे उठा सकती थी। I was scared. तब मैं भयभीत हो गई। Because I've never seen anything like it except in the Bible. मैंने बाइबल को छोड़कर ऐसा और कहीं नहीं देखा था। So I sat in my living room. और मैं तब अपने रूम में गई। For a long time. बहुत सारे समय के लिए। But next day was Sunday. लेकिन जो अगला दिन था रविवार का दिन था। May 8th. 8th May. I put on my heels. और मैंने अपने एड़ियों को देखा। And put on a nice dress. मैंने एड़ी चप्पल पहनी अच्छी ड्रेस पहनी। And I went prancing and jumping to the church. और मैं जब नाचते कूदते हुए चर्च में गई। Like they did in the Bible. और मैं अपनी बाइबल को लेकर के गई। So Emmanuel Bible Church, they had 3,000 members. और वो Emmanuel Bible Church एक कलीसिया है जिसमें 3,000 विश्वासी लोग। And I went all bouncing and jumping. और मैं नाचती कूदती हुई उस कलीसिया में गई। And those people who were helping me for months. और जो लोग मुझे कई महीनों से मेरी मदद कर रहे थे। They thought they saw a ghost. और उन्होंने सोचा कि लग रहा हमें कोई भूत दिखाई दे रहा है। So Pastor Tom Joyce's wife Deshwa came running to me. और तब पासवान की पत्नी मेरे पास दौड़ कर आई। She said, "What happened to you?" और उन्होंने कहा कि तेरे साथ क्या हुआ है? So I told her, I said, "Jesus came yesterday and he healed me." और मैंने उससे कहा कि प्रभु यीशु मसीह कल रात मेरे पास आए और मुझे चंगा किया। So she looked so confused. और तब वो बहुत ज़्यादा विचलित लग रही थी। She asked me. उन्होंने मुझसे पूछा। She said. But Jesus doesn't do that anymore. लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से अभी करता है? We don't know why he healed you like this. हम नहीं जानते कि प्रभु ने तुझे ऐसा क्यों चंगा किया है। Will you give your testimony in our faith builders group? क्या तुम faith builders group नाम के एक समूह में क्या ये गवाही दोगी? So I gave my testimony in that church. और मैंने उस कलीसिया में अपनी गवाही दी। And with my testimony, many in that church believe that Jesus Christ still heals his people. और उस गवाही के साथ उस कलीसिया में कई लोगों ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह आज भी चंगा करता है। Because in that church, they did not pray for my healing because they didn't believe Jesus still heals. और वो क्योंकि उस कलीसिया में किसी ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की थी कि मैं चंगी हो जाऊं। But with their eyewitness. लेकिन वो उन्होंने आंखों के सामने जब ऐसा देखा। A lot of people in that church believe that Jesus still heals. बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया कि वो चंगा करता है। Amen. 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 So this is what I want to point out to you. और यही सारी बातें मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ। So my story is like the book of Hosea. मेरी किताब भी मेरे जीवन में होशे की किताब के समान है। I ran from the Lord. और मैं प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गई थी। But he never stopped loving me. लेकिन उसने मुझसे प्रेम करना बंद नहीं किया। And then nobody led me to the Lord. और किसी ने मुझे प्रभु की ओर नहीं मुझे भेजा। But the Lord Himself taught me the entire Bible cover to cover. और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ही पूरा बाइबल मुझे सिखाया है।
and showed me who he is. और उसने मुझे दिखाया कि वो कौन है. And then I accepted him as my Lord and Savior. और तब मैंने उसे अपना प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार किया है. And I got baptized. और मैं तब मैंने बपतिस्मा लिया है. On October 18, 2014. और अक्टूबर 14, 2014 में अक्टूबर के 18 तारीख में मैंने बपतिस्मा लिया है. And then Jesus came again in November. और तब यीशु मसीह नवंबर में मेरे पास फिर से आया. And then he showed me my call and called me into ministry. और तब उसने मुझे सेवकाई को बताया और सेवकाई में मुझे बुलाया है. And after that, I have never stopped following him. और तब से लेकर आज तक मैंने उसका पीछा करना बंद नहीं किया है. And now I travel to preach the gospel and preach Jesus. और इसलिए मैं विश्व में कई जगहों में जाती हूँ प्रभु यीशु के बारे में बताने. Amen. So I didn't have to say sorry to the Lord. I did not say sorry. I did not repent for my sins. I did not do anything for him. I did not give my tithe and offering. I didn't do nothing for the Lord to come and heal me. और इसलिए मैंने भी कोई भी ऐसी सिद्धता के साथ कोई भी पश्चाताप या कोई भी ऐसी काम नहीं किया कि प्रभु मुझे आकर के चंगाई दे. So tonight you have to do nothing. इसलिए आज की रात आज आपको कुछ नहीं करना है. Just receive. उसको बस स्वीकार करना. His love is enough. उसका प्रेम काफी है. His blood is enough. उसका लहू हमारे लिए काफी है. He loves you. वो आपसे प्रेम करता है. And there's nothing you can do. और इसलिए उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते. To prove that you're worthy of his love. आपको ये बताने के लिए कि आप उसके प्रेम के योग्य हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते. Because nobody is worthy. क्योंकि कोई भी योग्य नहीं है. Of his death on the cross. उसके लहू और उसके क्रूस के मृत्यु के लिए. Amen. So we're going to just do some gentle worship. Will you, those who can stand up, would you please stand up? We're just going to sing gently hallelujah and let the Holy Ghost come and touch the people and then we can dismiss. और अब हम समाप्ति की ओर आ गए हैं. अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूं. यदि कोई खड़ा हो सकता है खड़ा हो जाए. हम एक प्यारा सा प्रभु के लिए एक छोटा सा गीत गा करके हम यहां से जाएंगे. I just need music, not words. If there's anything without the words, that would be great. Guitar play kar len. Okay, so would you please stand up? क्या आप अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं? The Lord has more for you. मैं जमीन जो. He has more for you. Jesus, I give you praise. Jesus, I give you praise. I give you praise. Holy Ghost, I ask you to come and rest upon your people like the tongue of fire. चाहती हूँ कि आज की शाम आग की वो लपटें यहाँ पर उपस्थित हो जाएं. Only no words, just maybe instrumental. If you have any instrumental, otherwise we're just gonna sing together. Just sing with me. Yeah, that's perfect. That's awesome. That's perfect. Brilliant. If they can just sing along with me. Holy Spirit, Thou art God. In this place, this one.
English? No? Okay, so how do we say Holy Spirit? Pavitra Atma, mere hriday mein aaj, mere jeevan mein aaj. Holy Spirit, Thou art the अपनी आंखों को बंद रखें एंड डू नॉट
एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, रिस्पेक्ट है, उसको आदर है, ऑनर है, उसको आदर है, लव है, उसको प्रेम है, ही इज गोइंग टू एनॉइंट सम पीपल टुनाइट। आज की शाम कुछ लोगों को अभिषेक देने जा रहा है। कुछ लोगों को अभिषेक करने जा रहा है चंगाई के लिए। पवित्र आत्मा आपको सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक करने जा रहा है कुछ लोगों को। अनॉइंट फॉर बिजनेस, और व्यापार करने के लिए अभिषेक करने जा रहा है। अनॉइंट फॉर म्यूजिक, आराधना के लिए, संगीत के लिए कुछ लोगों को अभिषेक करने जा रहा है। Anoint to minister to broken women or hurting women. और जो टूटी हुई महिलाएं हैं, जिनका हृदय टूटा हुआ है, ऐसी महिलाओं को सुधार करने के लिए कुछ महिलाओं को, कुछ लोगों को अभिषेक करना है। Anoint to minister to women, men who are in bondage. और ऐसे पुरुषों को जो बंधन में हैं, ऐसे लोगों को आजाद करने के लिए अभिषेक करने जा रहा है। So just do. Nobody looks at me because it's not me who can do anything. मेरी ओर कोई ना देखे कि मैं नहीं हूँ जो कुछ करूँ। I don't want a single person looking at me. मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरी ओर देखे। Forget about me. मेरे बारे में भूल जाए। Close your eyes. अपनी आँखों को बंद रखे। And look to Jesus. और वो यीशु मसीह की ओर था। He ascended. वो स्वर्ग पर उठा लिया गया और वो हमारे लिए वरदान देकर गया अपने लोगों को। So let him touch you. उसने अपने प्रभु को आपको छूने दे। And he is here. और आज की शाम वो यहाँ पर है। Some of you are going to feel his hand come upon you. और कुछ लोग अपने ऊपर उसका हाथ महसूस करने जा रहे हैं। You will feel fire fall on you. कुछ लोग अग्नि को अपने ऊपर महसूस करेंगे। Electricity. जीवन में, शरीर में कुछ बिजली का एक करंट सा दौड़ने की अवस्था को महसूस करेंगे। And heavy blanket on you. और एक शांति का एक बहुत बड़ा ओढ़ना आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। Nobody, not a single person, should look at me at this time. Just honor the Holy Ghost. कोई भी मेरी ओर ना देखे, प्रभु को, पवित्र आत्मा को आदर दे। And nobody speaks. कोई भी दूसरे से बात करे। And nobody prays. कोई भी प्रार्थना ना करे। Just be silent. बस चुप रहे। In the presence of the Almighty God. प्रभु की उपस्थिति। Let him touch you. और उसको आपको छूने दे। ताकि बहुत सारा चमत्कार का काम कर सके, महान काम कर सके। प्रभु यदि कुछ भी ऐसा खाओ उनके जीवन में, और उसके उनके जीवन से वो सब दूर हो जाए। हर एक वो दुष्ट शक्ति का प्रभाव यीशु मसीह के नाम से छूट जाए। उन्हें दास्य अभिषेक से अपने पवित्र रिसीव इन जीसस यीशु के नाम पर रिसीव करें। We're going to stay absolutely silent where nobody will look at me for at least 2 minutes. 2 minutes के लिए कोई भी मेरी ओर ना देखे, अपनी आवाज को बंद रखें। Only 2 minutes. केवल 2 minutes के लिए। Don't
even pray. Let's honor the Holy Ghost. And let Him anoint you. Depression is leaving.
whisper of suicide is needed. आत्महत्या करने की वो एक भ्रांति हमारे मन में लाने वाली दुष्ट शक्ति जा रही है। मैं मृत्यु की सामर्थ्य को डांटती हूँ कि छोड़ दे। यीशु के नाम में। डर की आत्मा को मैं यीशु के नाम में डांटती हूँ कि छोड़ दे। I rebuke the spirit of fear of man in Jesus' name. Amen. Dar uski atma ko Yeshu ke naam mein daalti hu ki jaye. That you are anointing some of them as mighty intercessors, let the spirit of intercession fall right now. प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु तू मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए अभिषेक कर रहा है, मध्यस्थता की प्रार्थना का अभिषेक ईश्वर के नाम में कर। The spirit of intercession is falling on some of you right now. आप में से कुछ लोगों पर मध्यस्थता की प्रार्थना करने का अभिषेक आ रहा है। Those who are feeling it, start praying in tongues. और जो ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें। Some of you are receiving the prophetic gift right now. कुछ लोग भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त कर रहे हैं। Those who are feeling some heat come on you for the prophetic, just lift up your hands and praise the Lord. जो लोग अपने शरीर में कोई आग सा महसूस कर रहे हैं, वो अपना हाथ उठा करके प्रभु को महिमा दें। Those who are feeling the heat come on them. जो लोग अपने शरीर में कोई आग सा महसूस कर रहे हैं, for the prophetic, भविष्यवाणी के वरदान के प्राप्त के लिए, God will use you, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, to speak to people, ताकि आप लोगों से बातें कर सकें, the things that he said, जो बातें उसने की, he's doing, वो कर रहा, now put your hands down, अपने हाथों को नीचे कर रहा। There are some of you that the Lord is anointing for business, but be a good and generous giver. आप में से कुछ लोगों को प्रभु व्यापार करने का अभिषेक दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु चाहता है कि आप हृदय से देने वाले भी हों। Now, the only those, not all of you. लेकिन सिर्फ वही और बाकी नहीं। Lift up your hands if the Lord is anointing your hands for business or the heat or electricity or something is happening to you right now. जो व्यापार करना चाहते हैं और अपने शरीर में कोई आग सा महसूस कर रहे हैं, वो हाथ उठा करके यहाँ पर हाथ उठा सकते हैं जो व्यापार करना चाहते हैं। Only those. सिर्फ वही लोग। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come, Holy Ghost. Come and touch them. प्रभु आए और कुछ Bless their hands for business. प्रभु आप उनके हाथों को आशीषित करें। Bless them. That they will prosper. ताकि वे प्रभु फलवंत हो जाएं। They will have favor. उनके पास प्रभु की फेवर हो। And they will succeed in their business. वे अपने बिजनेस में प्रभु की सफल हो जाएं। And they will be generous givers in your kingdom. प्रभु के राज्य के लिए प्रभु हृदय से देने वाले। Thank you, Jesus. Even in the difficult economy, they will prosper. और एक भारी संकट की आर्थिक समस्याओं के समय भी आप लोगों को प्रभु आशीष देगा। Now put your hands down. अपने हाथों को नीचे करना। And now the Lord is anointing some people for just reaching the lost souls. और आप में से कुछ लोगों को प्रभु ऐसा बोझ ऐसा अभिषेक दे रहा है कि जो भटके हुए हैं, जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन तक सुसमाचार पहुंचे। Raise your hands.
जो ऐसा बोझ महसूस कर रहे हो अपने हाथ में हाथ करते हो। If you have the burden for the souls, यदि आपके पास उन आत्माओं के लिए बोझ है अपने हाथों को उठा करके Jesus, I give you praise. Lord, let them receive power. Oh, Prabhu, do receive. Let them.